देखते नंबर कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ हंड्रेड पर्सन इट वाज़ फाउंड ट्वेंटी एट रीड मैगजीन ए थर्टी रीड मैगजीन बी एंड कितना है फोर्टी टू रीड मैगजीन सी एट रीड मैगजीन ए एंड बी टेन रीड मैगजीन ए एंड सी एंड फाइव रीड मैगजीन बी एंड सी एंड थ्री रीड ऑल ऑफ द थ्री मैगजीन फाइंड फर्स्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी रीड None ऑफ द थ्री मैगजीन मतलब कोई भी मैगजीन रीड नहीं करते है, वो पर्सन कितना है हाउ मैनी रीड मैगजीन सी वोली जो सिर्फ सी मैगजीन को रीड करते हैं वोली सी यानी ना तो वो ए को रीड करते हैं ना ही बी को रीड करता है चलिए तो ए बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है तो मुझे इसमें मानने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी मैं सीधे यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट लेता हूँ और इसके अंदर तीन सेट बना लेते हैं ए बी सी ठीक है A, B, पहला काम हमारा यही होगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को यानी टोटल पर्सन को कितने हैं टोटल पर्सन सौ ये सेट ए के लिए ये बी के लिए और ये सी के लिए मैगजीन ए मैगजीन बी मैगजीन सी यहाँ पे ए बी सी इसे डी ई एफ और यहाँ जी देते हैं समझिए यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि ट्वेंटी एट रीड मैगजीन ए मैगजीन ए को रीड करने वाले कितने हैं ट्वेंटी एट हैं। यानी ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू में ट्वेंटी एट ठीक है आगे क्या कह रहा है कि मैगजीन बी को रीड करने वाले थर्टी हैं। तो मैगजीन बी को रीड करने वाला हो जाएगा आपका बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में थर्टी और मैगजीन सी को रीड करने वाले कितने हैं जी फोर्टी टू है फोर्टी टू है ठीक है तो यहां पर मैं लिखूंगा C प्लस E प्लस F प्लस G इक्वल टू मै फोर्टी टू एट रीड मैगजीन ए एन बी एंड बी दोनों को रीड करने वाले कितने हैं एट है यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना कह रहा है आपका एट ठीक है यानी कहने का मतलब है कि D प्लस जी जो दिया है वह एट है दोनों में कॉमन अच्छा ए और सी को रीड करने वाले कौन है कितने हैं एन सी को रीड करने वाले टेन है ए एन सी को रीड करने वाले टेन है ए इंटरसेक्शन सी कितना है आपका टेन इसका मतलब ई प्लस जी इक्वल टू में टेन अच्छा उसके बाद क्या रहा है फाइव रीड मैगजीन बी एन सी बी एन सी को रीड करने वाले फाइव है ठीक है अच्छा बी और सी ये रहा यानी कि एफ प्लस जी फाइव आ क्या करा के थ्री रीड ऑल ऑफ द मैग द्री मैगजीन यानी कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है आपके पास थ्री दिया है यानी कहने का मतलब जी का वैल्यू थ्री हो जाएगा ठीक है चलिए तो पहले ए बी सी डी ई e, एफ जी सबका वैल्यू निकालते है तो जी का दिया ही है थ्री तो जी का थ्री अगर आप इसमें रखोगे तो आपका एफ का क्या आ जाएगा टू जी का इसमें फाइव रखोगे तो सॉरी थ्री रखोगे थ्री रखोगे यहाँ पर थ्री रखोगे तो ई का कितना आ जाएगा सेवन जी का यहाँ थ्री रखोगे तो डी का कितना आ जाएगा फाइव चलिए अब इसमें पर रखते हैं ध्यान से देखिएगा ई एफ जी तीनों का सम क्या हो जाएगा आप देखो ई एफ जी सेवन टू नाइन और नाइन थ्री उधर रखेंगे सी का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पर थर्टी आ जाएगा ठीक है अच्छा आगे बी के वैल्यू के लिए चलते हैं तो डी एफ जी डी एफ जी को ऐड करेंगे डी एफ जी डी एफ तो ये सेवन हो गया और थ्री टेन हो गया टेन यहाँ पर रखेंगे और उधर जाकर सब पे करेंगे तो बी का वैल्यू ट्वेंटी आ जाएगा अच्छा यहाँ पे ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो डी ई जी ध्यान से देखिएगा डी ई जी तो यहाँ पर डी ई e और ये जी तीनों को ऐड करना है तो ये आपका डी और ई e मिलकर ट्वेल्व ठीक है और थ्री ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन 15 को यहाँ रखेंगे उधर ले जाकर सपरेट करेंगे तो 15 सेपरेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा ना ए का वैल्यू 13 हो गया चलिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस में इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा है हाउ मैन रीड नॉन ऑफ द थ्री मैगजीन तीनों में से कोई मैगजीन को रीज रीड नहीं करता है यानी कहने का मतलब हम लोग को एन एस में से यानी कि टोटल पर्सन में से टोटल जो सर्वे हुआ है उसमें तो से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी को सप्रेट कर लेंगे तो ये टोटल पर्सन कितने हैं? हंड्रेड है हंड्रेड में से सप्रेट करना है ए यानी कि थर्टीन बी ट्वेंटी सी थर्टी डी आपका फाइव ई e आपका सेवन एफ आपका टू और जी आपका थ्री इन सबको ऐड करके सप्रेट कर लेंगे तो हंड्रेड माइनस यहाँ पे सॉल्व ऐड करते हैं तो ये फिफ्टी और ये सिक्सटी थ्री तीनों का और सेवन सिक्सटी एट और सेवन आपका 75 फाइव और 75 फाइव और ये फाइव एटी यानी आ जाएगा ट्वेंटी ऐसे पर्सन हैं जो कोई भी मैगजीन को रीड नहीं करते हैं सेकेंड में क्या करें?